और कल्याण जी ने भी अपनी बहुत साइड चुनी यहाँ पर रहा ओवर द साइड फेंक रहे हैं आदेश भाई आप गलत बोल गए मुस्लिम भाई लेफ्टी है राउंड ही आए मुस्लिम चले धीरे धीरे कदमों से बहुत अच्छी बॉल लेकिन उससे भी अच्छा गोल और चार रन चार ये काफी अच्छा स्ट्रोक था सही नकली अगर पावर प्ले खुला होता तो परेशानी में डाल सकता था विकी कुमार को लेकिन ये बॉलर के सर के ऊपर से मारा हुआ शॉट था और ये मार चुकी पूरेगी और यहाँ पे सॉरी जाऊंगा माफी चाहूंगा मैंने डब्बे को कहा है कि आपने इसकी ऐसी कर दी है ये काफी अच्छी गेंद अभी तक ओ अपील जारी है अभी तक लेकिन ये बॉडी पर गेंद लगी है और आ चुके हैं एक ओवर 12 रन फिर भी इतना महंगा साबित नहीं हुआ है ओवर यहाँ पर दो कैच जो दो निबंधान यहाँ पर विक्की कुमार को मिले हैं देखते हैं वो कितना फायदा उठा पाएंगे यहाँ पर मुर्सलीन ने दो नो बॉल के बाद भी फिर भी 12 रन यहाँ पर दिए हैं और आ चुके हैं जीना इंतजार से सानू वो आ गए अपना काम करके आ गए हैं यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कैप्टन सबसे की लोधीपुर में पंकज भाई से आग्रह करना चाहूंगा आप ही सीट खाली है जल्दी से जल्दी आ जाइए क्योंकि पक्का हो चुका है आप एक बार यहाँ पर संगम कुमार कुछ निहारते हुए फील्डिंग को सुधारते हुए धीरे धीरे कदमों से चले अंपायर को क्रॉस किया और ये बॉल काफी अच्छी बॉल लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा यहाँ पर अगर आपको गेंदबाजी अच्छे से करनी है तो आपको नियंत्रण रखना होगा संगम लेकिन कोई बात नहीं अभी शुरुआत है आप अच्छी गेंदबाजी की है और ये फील्डिंग देखे आप इन्होंने किस तरीके से लगा रखी है ये जानते हैं अगर हमने आगे गेंद डाली पावर प्ले है आगे गेंद डालेंगे तो काफी अच्छा विकेट झटका सकते हैं होगा कैच ना चौका रुकेगा क्योंकि सब प्लेयर पावर प्ले के अंदर है दायरे के अंदर है और यहाँ पर धीरे धीरे प्लेयर आ रहे हैं लोधीपुर टीम के और ये चले संगम मैदान रोहित और ये काफी अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेलना चाहते थे सैंग की क्योंकि ऑफ साइड में भी पावर प्ले है और 4 रन मिलेंगे अगर एक बार आप भी सबर के बाद हो जाइए आप बाहर आ जाइए क्योंकि ओवर चल रहा है ओ काफी अच्छा स्ट्रोक चिप शॉट मिलेगा 6 रन ये काफी अच्छा स्ट्रोक है सैंकी का बार बार स्क्रीन पर दिखाया जाएगा ये शॉट और फील्ड में तब्दीली की है बिल्कुल उल्टा कैच था उल्टी दिशा में भाग रहे थे ऐसे कैच फील्ड ही होते हैं केवल मैं ही कर सकता हूँ उनको ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे कि कैसे करने हैं कैच और बहुत ही यहाँ पे अच्छा मुकाबला चलता हुआ अभी तक एक छक्का टैंकी लगा चुके हैं और अक्षमता है अगली गेंद और एक बार फिर से ये देखने वाली बात और एक कैच आउट यहाँ पे हालांकि अंपायर चेक करेंगे इसी सोच के लिए फील्डर लगाया था लेकिन मुझे जहां तक लगता है आउट हो चुके हैं सैंकी क्योंकि बाउंड्री बहुत पीछे है और ये विकेट मिल गया यहाँ पर संगम को काफी अच्छा कैच कहना होगा ये मुझे कड़ी चावल की सूंघ आ गई ओ काफी अच्छी गेंद कीपरिंग अच्छी है इनकी एबी डिविलियर्स के नाम से जाने जाते हैं लोधीपुर टीम के लिए कभी इन्होंने एफपी जो गुजरात टीम से किया था और काफी अच्छा अभी तक देखा जाए इन पर आरोप लगे हैं फिक्सिंग के ओ ये काफी अच्छी कीपरिंग अभी तक डेड बॉल करार दिया अंपायर ने शायद 3-4 टप्पों में गई और दर्शकों की हरम बार अब तक देखी जाए तो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है ओ वाइट डिलीवरी बहुत ही दूर डाल देंगे
ऐसे नहीं आप इन पैर को कुछ भी कह सकते हैं, पैर का निर्णय सर्वमान्य होगा। पंकज कुमार सहमे हुए खड़े हैं। ओ ये चले संगम, काफी अच्छी गेम, काफी अच्छे से फील्ड किया यहाँ पर पैंट शर्ट वाले लड़के ने। 2 ओवर 22 रन, कोई खास महंगा ओवर नहीं अभी तक आया है रसुल्ली दृष्टिकोण से। 1 विकेट गवा चुके हैं सैकी का, जिस अकॉर्डिंग फील्डिंग लगाई थी उस अकॉर्डिंग विकेट गवा दिया है यहाँ पर रसुल्ली टीम ने। बिल्कुल फील्डिंग की तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, जो कैच लिया सुंदर कैच था। और विक्की एक बार फिर से टीम का सामना करेंगे और फील्ड को अपने अनुसार सेट करते हुए देखिए ले रहे हैं पार्टी को अंदर ले रहे हैं। ओके कोई बात नहीं। और ये नीरा लो ये मुर्शिदीन चले कंपेयर को क्रॉस के और विक्की को बनाओ, ये 4 रन मिलेंगे भाई वहां पर। आउटफील्ड बहुत तेज है, वो रुक गई। ये पायरे में गिर गए चौकर, अब पूरा 2 रन यहाँ पर लिए, संतुष्ट हुए 2 रन से विक्की कुमार। अभी तक देखा जाए जो मुर्शिदीन की गेंदों पर इन्होंने अच्छे स्ट्रोक लगाए, लेकिन 2 बार बचे भी हैं। अगर कहीं ना कहीं मुर्शिदीन इनका विकेट ले लेते हैं पूरी कमर तोड़ दी जाएगी रसुल्ली टीम की। ओ ये कैच उठा दिया यहाँ पर भागे और ये गोल, ये यहाँ पर 21वां जीवन दान विक्की के लिए मुर्शिदीन की बॉल पर। यहाँ पर ये काफी महंगा साबित हो सकता है लोधीपुर टीम के लिए। मुर्शिदीन चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर क्रॉस किया, ये बॉल काफी अच्छी बॉल कैच हो सकता था लेकिन एक और मिस फील्ड यहाँ पर 1 रन के लिए। काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया अभी तक लोधीपुर की टीम ने। यहाँ पर मुर्शिदीन ने काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से अभी तक। यहाँ पर चले मुर्शिदीन धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया, ये बॉल काफी अच्छी बॉल है, ग्रीन बॉल। ये देखे जिसकी बरकरार थी वो विकेट मिलाया पावर प्ले के अंदर और ये विक्की कुमार पूरी तरह से तबाह, नहीं जान पाए किधर गए भाई किधर से क्या आया। दोस्त बहुत ही अच्छी गेंद अभी तक प्रभावित किया था यहाँ पर मुर्शिदीन ने, लेकिन आखिरकार में विकेट दे लिया। और ये क्या देख रही है, किसको बुला लिया गया है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर पर। 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और जो फिक्सिंग खिलाड़ी वो बैग पकड़ चुका है। यहाँ पर काफी ऊपर खिलाए गए हैं पटांदी, काफी महंगे प्लेयर 13 करोड़ में खरीदे हैं यहाँ पर रसुल्ली टीम ने। वाइल्ड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन का और इजाफा यहाँ पर रसुल्ली की टीम को। यहाँ पर पटांदी को उतारा गया है जो पाकिस्तान लीग खेलते हैं और कहीं ना कहीं फिक्सिंग में फंसे हैं पाकिस्तान के। वहां पर 2 बार फिक्सिंग के आरोप लगे हैं इनके ऊपर क्योंकि बड़ी बड़ी नौ बॉलें डाली थी इन्होंने। और ये चले मुर्शिदीन और यहाँ पर ये काफी अच्छा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए और ये देखे बीट होकर भी पोटे ने 1 रन दे दिया है। ये पोटे अगर आप ऐसे 1 रन दोगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। पर मैं आग्रह करना चाहूंगा पंकज जी से, आप 2 सर्व पोटे के बारे में बता दीजिए। और ये देखे बस कह दिया आज इन्होंने क्योंकि आज इनके अंदर वो चीज चली गई है जो कभी नहीं जानी चाहिए थी। ओ काफी तगड़ी अभी लेकिन आउट नहीं हुए हैं। 3 ओवर 28 रन 2 विकेट काफी अच्छा ओवर लोधीपुर की टीम से किया। और यहाँ पे देखे संगम चले दूसरा ओवर लेंगे अपना। ओ ये गेंद उठा दिया लेकिन कैच नहीं हो पाएगा और मुझे लगता है कुछ नहीं अभी तक 1 रन मिलेगा सिर्फ। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग चुस्त प्लेयर लोधीपुर की टीम की तरफ से खाता खोला यहाँ पर अंकुश कुमार ने। और ये देखे गोल्डी यहाँ पर अभी तक अपनी टीम को संभालने की कोशिश में होंगे क्योंकि अगर वे विकेट नहीं देते तो आगे। ओ ये मिस फील्ड यहाँ पर बहुत ही बेकार फील्डिंग लेकिन नहीं ये गेंद हाथ के लग गई थी वरना ये 4 रन हो जाते। और देखे मुझे लगता है कोई ना कोई आ रहा है हमारे गांव का। और ये देखे
इस तरह से टिप्पणी दे रहे हैं। और इस संगम चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया कटा दी। ओ काफी अच्छी गेंद और काफी मिस फील्डिंग की अभी तक पोटे ने, और ये पोटे को काफी नुकसान हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि काफी रन दे चुके हैं पोटा भाई और इतने पीछे खड़ा होगा भी नहीं पकड़ोगे। और अभी तक काफी कसी भी गेंदबाजी कही जा गई होती, पर बैट्समैन का भी ऐसे चल रहा है। और चले ओ और आउट हो सकते हैं तालमेल के साथ कभी। ये बहुत ही बेकार फील्डिंग, अगर ये विकेट मिलता कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से कवर टूट जाती है यहाँ पर रसूली टीम की। बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है, और ये मुझे कीपरिंग में बहुत ही बेकार कीपरिंग हो रही है जिसके लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो फील्डिंग नहीं कर पाए हैं। आपने जो गलती की है डिविलियर्स को अपनी कीपरिंग से हटाकर, वो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है शायद मुझे तो लगता है, क्योंकि अभी तक बहुत ही अहम रन दे चुके हैं कोटा, दबाव नहीं झेल पा रहे शायद मेरे को लगता है। ओ ये काफी अच्छा स्ट्रोक, ये नहीं रुकेंगे क्योंकि अगर आप छोटी गेंद डालते हैं आपके दोनों प्लेयर लोगों पर हैं। चार ओवर 36 रन 36